हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं इंद्रायणी थड़ी जत्रा भोसरी पुणे में। तो ये जत्रा यानी कि फेयर हर साल एक बार होती है। तो ये जत्रा हुई थी 25 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक। और यहाँ के जो टाइमिंग्स थे सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक। और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। तो इस जत्रा में आप एंजॉय कर सकते हैं महाराष्ट्रियन फूड, महाराष्ट्रियन विलेज कल्चर आप देख सकते हैं। तो एंट्री करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे राम मंदिर की संरचना की गई है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप जैसे कि गांव में आए हैं, महाराष्ट्रियन कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही भव्य राम मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बड़ी मूर्ति भी है और आपको यहाँ पर शिवकालीन शस्त्र भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स है, तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन।
तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ की ग्राम संस्कृति। तो भोजापुर एक गांव है तालुक का हवेली पुणे में, तो वहाँ की ग्राम संस्कृति यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए मेला भी लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए बच्चों के लिए, बहुत सारे राइड्स हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, तो महिला बचत गट के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र फूड एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं, यह है नाइट व्यू, बहुत ही सुंदर दिख रहा है राम मंदिर, कितना खूबसूरत डेकोरेट किया गया है, बहुत सारी सुंदर लाइटिंग है, और आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे जत्रा देखने के लिए। तो हमने भी जत्रा बहुत एंजॉय की, तो आप भी ज़रूर आइए इस जत्रा में। तो हर साल ये जत्रा होती है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आशा करते कि आपने भी हमारे साथ ये जत्रा एंजॉय की। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और दोस्तों के साथ। और हमने पवना थड़ी जत्रा और भीम थड़ी जत्रा के भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।